नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो लेके आ गए हम दोनों आपका फेवरेट शो दोस्तों, आज हम आपको एक नहीं दो दो वीडियो दिखाने वाले हैं। दो हाँ, वीडियो तो काफी सारी आई हैं, लेकिन उनमें से दो वीडियो सिलेक्ट करके आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कल मैंने जो कहा था ना अंजू, के रश्मि के फैंस ये ना सोचे हम रश्मि की ही ऑडियो जब वीडियो नहीं दिखाते हैं, रश्मि फैंस की नहीं दिखाते, बाकियों की दिखाते हैं। तो रश्मि फैन भेजते ही नहीं है, लेकिन अभी भेजना शुरू किया। तो आज रश्मि के एक फैन ने हमसे काफी शिकवे शिकायतें की है, तो वो मगर उससे पहले मैं आपको एक और ऑडियो सुनाऊंगी। मेरे पास भी एक ऑडियो है नवीन जी, पहले हम वो सुनते हैं फिर हम आपके वाला सुन। दोनों ऑडियो जो है रश्मि के बारे में है, और वो दोनों ऑडियो आप सुनेंगे तो आपको वो गलतफहमी दूर हो जाएगी कि हम क्यों नहीं दिखाते हैं या हम जो भी आपने अपने अंदर डाली हुई है। तो शुरुआत करते हैं पहले ऑडियो से, तो वो ऑडियो रहा ये। एक्चुअली रश्मि का एक चीज बहुत नोट कर रहा हूँ कि उसमें ईगो एटीट्यूड काफी भरा पड़ा है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो सलमान सर के सामने भी वो अजीब से बिहेवियर करती है, और उसका एक एटीट्यूड ऐसा है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है कि मतलब सिद्धार्थ के अलावा कुछ और टारगेट करे। आप देखते भी हो हर बारी जब भी उस पर कैमरा जाता है वो बस सिद्धार्थ सिद्धार्थ सिद्धार्थ। तो फिर सलमान खान की बात करते हैं ये लोग कि सलमान सर हमें बोलते हैं, सिद्धार्थ को नहीं बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पीठ पीछे अगर उसकी बात करते हैं तो ये सिद्धार्थ को ही तो हिट कर रहे हैं ना। तो फिर ऐसे में ये लोग पता नहीं क्यों, खैर उन्हें समझ नहीं आ रहा है घर के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि चुगली जो करते हैं ये लोग वो शायद ऑडियंस को भी पसंद नहीं है, और सही बात भी है, कोई आपके पीठ पीछे कुछ बोले तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। सामने जो है वो अगर आप वहाँ पे थोड़ा गलत, सिद्धार्थ भी कहीं कहीं गलत होता है, लेकिन वो क्या करता है वो बैक पीठ पीछे कुछ बोलता नहीं है, तो इस वजह से वो हीरो हीरो निखर के आ रहा है ठीक। जबकि रश्मि क्या करती है, बैक पिचिंग ज्यादा करती है, जिस वजह से वो विलन दिखाई दे रही है। लेकिन मैं फैन ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं रश्मि के खिलाफ हूँ या सिद्धार्थ के साथ हूँ। हाँ, ये जरूर है कि सिद्धार्थ यहाँ पे सही नजर आ रहा है। देखिए नवीन जी, इन्होंने की हमारे वाली बात बिल्कुल कि मैं रश्मि के साथ हूँ या सिद्धार्थ के साथ हूँ, ये बात नहीं है। बट जो दिख रहा है ऑडियंस को वो बात उन्होंने की है। तो आपको क्या कहना है इसके बारे में? मुझे ये कहना कि हम पे फिर इल्जाम लग जाएगा कि आपने रश्मि के खिलाफ ही दिया, तो आप इसके पक्ष वाला वीडियो दिखाइए। हेलो नमस्कार सर, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, शुक्ला करे तो सब अच्छा, रश्मि करे तो सब बेकार। सर ऐसा आप क्यों करते हो, रश्मि की ही बुराई करते हो अपने चैनल में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ आगे चलकर रश्मि और शुक्ला एक साथ गेम खेले, प्लीज सर आप रश्मि की भी थोड़ी बड़ाई किया करो, प्लीज सर आपसे रिक्वेस्ट है, आई लव यू सर। आतिश इस्पाल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये अपना ऑडियो भेजा हमको अपनी प्यारी सी पिक्चर के साथ। तो ये वही बात होगी कि तुम करो तो लीला और हम करें तो लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरी दिल खुद की हमारी दोनों की दिली ख्वाहिश है कि रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला जो है साथ में खेले। लेकिन हमको रश्मि से सिर्फ यही शिकायत थी कि सिद्धार्थ के बारे में ये बता दूंगी वो बता दूंगी, ये करते करते उन्होंने आधा शो निकाल दिया। बताओ तो सही, हम सब जानना चाहते हैं। और ये आप ही नहीं जो बोल रहे हो कि वो साथ में हो जाएंगे, सब ट्राई कर रहे हैं, मेकर्स ट्राई कर रहे हैं, इवन बहुत सारे जो बाहर सेलिब्रिटी फ्रेंड्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं, सलमान खान ने ट्राई किया है, तो मे भी अब रश्मि को वापस लेके कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। बट अभी दिख तो नहीं रहा है, खैर हम भी चाहेंगे कि आपकी इच्छा पूरी होगी, दोनों दोस्त वापिस से इकट्ठे हो जाए। तो अब नवीन जी आगे क्या दिखाने वाले हैं? तो आगे अब जो है नंबर आता है वीडियो का, बिल्कुल
तो मैं आपको वीडियो भेज, सबसे पहला जो वीडियो है हमें उनके वीडियो डालते भी रहते हैं पंजाब से, प्रवीण कोमल जी, उनको कुछ सना से थोड़ी सी शिकायत होगी, आपको याद कर दिला दूं। सबसे पहले उन्होंने सना की फेवर में बहुत स्ट्रांग, बहुत बढ़िया एक वीडियो डाली थी, अब थोड़ी सी सना से शिकायत उन्होंने की है, शिकायतें भी सुन लीजिए। ये सुन लीजिए सना की, और एक गेम देखिए कमाल की, सिद्धार्थ के नजदीक भी जा रही है और सिद्धार्थ के पर कतरने में भी पूरी कोशिश ये कर रही है। इसने खेसरी को टास के दौरान उंगली लगाई, चौकीदारा टास के दौरान, कि तेरा तू रो मत, तू परेशान मत हो, तेरा कंपटीटर सिड है और तू उसकी बातों का विरोध कर, और कोई तेरा कंपटीटर नहीं, यानी कि ऐसा कहकर इसने कोशिश की कि सिड और खेसरी में एक तरह का विरोध जो था वो पैदा हो जाए। इसमें ये कामयाब भी हो गई। इसने खेसरी को उंगली लगाई कि ये तेरा कंपटीटर है, तू इसकी बातों का विरोध करेगा तो इसका तुझे फायदा होगा। तो इससे दोस्तों खेसरी ने भी अच्छी तरह से पंप ले लिए और सिद्धार्थ से सींग फंसा लिए। ये हमने देखा है काफी तू तू मैं भी उसने की है, जिससे खेसरी से उम्मीद नहीं थी। खेसरी को काफी हम ठंडे मिजाज का मानते थे, लेकिन ये जो उंगली होती है ना, ये बहुत खतरनाक काम करती है, और सना की लगाई हुई उंगली काम कर गई है। अंजू, इसके साथ में कोमल साहब की वीडियो के साथ में एक ऑडियो भी है, वो भी साथ में सुना रहे हैं। हेलो सर, खेसारी लाल को सहनाज गेम सिखा रही है, जिसे खुद को नहीं आता गेम खेलना। पर इनकी कोमल साहब की जो जहां तक बात है ना, तो उन्होंने कहा कि सहनाज को अभी गेम खेलना आ गया है, उन्होंने एंड में थोड़ा तंज कसा है, लेकिन उन्होंने तारीफ भी किया है कि गेम खेलना आ गया है, चलो अच्छी बात है। लेकिन जो ये बोल रहे कि जिसको खुद नहीं आता, इस बात से अंजू जी आप सहमत है क्या? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये जैद खान है जिन्होंने ये अपना ऑडियो भेजा है, और ये जैद खान हमारे साथ बिग बॉस 12 से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने वो रेफरेंस भी दिया है ऑडियो का कि मैं सर आपसे तब से जुड़ा हुआ हूँ। तो जो इन्होंने सना के बारे में बोला है वो डेफिनेटली इनकी अपनी पर्सनल राय है, बट मैं जरूर कहूंगी कि जो भी बंदा यहाँ तक पहुंच गया है, आधा सीजन तक पहुंच गया है, वो बिना गेम खेले तो पहुंच नहीं सकता। और खेसारी लाल यादव अभी अभी गेम में आए हैं, तो डेफिनेटली सना को गेम खेलनी आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो अच्छी खेल रही है गेम। तो मैं आपकी राय से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, बट आप फ्री हैं अपनी राय देने के लिए, आगे भी ऑडियो भेजते रहिएगा। पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यस, तो आगे नवीन जी आप ऑडियो सुनाएंगे या वीडियो दिखाएंगे? आगे पहले हम एक ऑडियो और सुना दीजिए आप जी, है ना, उसके बाद फिर हम लोग। आपने बहुत बढ़िया कल अपने अपने क्या नाम उनका, मुखर्जी साहब, उन्हीं का एक बड़ा जबरदस्त सा ऑडियो भेजा, उसके बाद थोड़ा वीडियो देखने के हम रंग में आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। चोर ये चोर, ये चोर 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 मचाए शोर, ये चोर 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 मचाए शोर। यार इन चारों को तो पूरा ऑस्कर मिलना चाहिए कसम से, पूरा के पूरे चारों को पूरा ऑस्कर नॉमिनेटेड होना चाहिए। हॉलीवुड से इन लोग को फिल्म को ऑफर आना चाहिए, जैसे कि इन लोग का एक्टिंग है। एक तो उंगली दिखा के बोल रहा है कि मुझे अगर तुम लोगों ने ऑस्कर नहीं दिया तो मार डालूंगी। पारस सोच रहा है कि यार ऑस्कर कब मिलेगा, ये देवोलिन का मुंह ऐसे हो गया कि चलो ऑस्कर तो मिला लेकिन बेस्ट हीरोइन का नहीं मिला, और सबसे ऊपर है रेशमी। चलो ऑस्कर लेके भी खुश हो, अब दुनिया को जीतना है, ऐसा मुंह कर रहा है। पता नहीं इन लोग को क्या लिखा है, ऐसा हो गया, देख तेरी संसार की हालत क्या हो गई, भगवान किस इनको बदल गया इंसान। ये बहुत मेहनत करके, धन्यवाद, थैंक यू मुखर्जी साहब, जो आपने शुरू में चोर चोर वो बहुत अच्छा जो एंड में तड़का दिया ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई बिग बॉस। बहुत बढ़िया भेजा है आपने, और आप काफी क्रिएटिव है, आई मस्ट से आप बहुत ही
प्यार से और बड़ी अच्छी जगह पे पॉजेस लेते हैं आपसे, हमें स्पीच वर्क सीखना पड़ेगा। डेफिनेटली। तो अभी आगे क्या आप सुना? आगे अभी वही आपको बोला था कि प्यारी सी बच्ची का सिक्किम से वीडियो है, वो देखते हैं। नमस्ते सर एंड मैम, मेरा नाम ग्रेसी बच्चा है। मुझे बिग बॉस शो बहुत अच्छा लगता है, मैं बिग बॉस शो बहुत देखती हूँ और मुझे सिद्धार्थ सर बहुत अच्छा लगता है। मैं गॉड से प्रे करूंगी कि सिद्धार्थ सर ये बिग बॉस शो में जीते और मुझे आपको भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। तो सबसे पहले धन्यवाद बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी आपकी वीडियो है। तो शुक्ला जी के आप फैन है, बहुत अच्छा लगा जान के। और बाकी तो आप जो पॉजिटिव बन रहा है उसी को देखिए, बाकी तो सब चलता रहता है, ये गेम शो है। और आगे भी आप अपने नजरिया, अपनी राय, ऑडियो वीडियो किसी की जरिए भेज सकते हैं। तो अनविन जी, लास्ट आपको मैं ऑडियो सुनाती हूँ। ये मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि इस बात से मैं भी सहमत हूँ, तो उसको सुनने के बाद फिर उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये रहा। नमस्कार, मैं मोहम्मद उस्मान सऊदी अरबिया से सुन रहा हूँ आपका चैनल, देख रहा हूँ बिग बॉस के बारे में। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेबो लेना ने जो कल ये सीधा सीधा सलमान भाई के ऊपर निशाना साधा है, तो क्या वीकेंड के वार में सलमान भाई इसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे या नहीं? तो ये इन्होंने जो देवोलीना ने सलमान खान के बारे में बाथरूम के अंदर जो जोर जोर से बोल बोल के अपनी दुहाई दी है उसके बारे में है, लोगों तक आवाज तो पहुंचती है अगर आप बोलोगे, क्योंकि इतने कैमराज है इतने सारे। नहीं नहीं, उस आप आवाज पहुंचाने के लिए उन्होंने बोला था, वो बकायदा अंदर माइक लेके गई थी। और ये सोशल मीडिया पे ये बहुत चर्चा है इस बात की कि ये क्या उनके दिमाग में आया कि उन्होंने डायरेक्टली सलमान खान से पंगा ले लिया। वो जबकि आपको अगर याद होगी पारस ने बोला था, पारस तो बाद में मुकर भी गया था कि सर मैंने कहा बोला सलमान, वो जबकि हम सबने देखा था चिक चिक शब्द यूज किया था कि सलमान की भी बहुत चिक चिक हो गई है, तो वो सलमान खान ने कवर किया था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बात भी सलमान खान कवर करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम बड़े निराश हो जाएंगे, करनी चाहिए क्योंकि नहीं तो इनके हौसले और बुलंद होते जाएंगे। और मैं एक चीज और बोलूं कि ये क्यों बोला देवोलीना ने, ये मेरे को सच में समझ में नहीं आया कि जब सलमान खान ने पारस को इस बात के लिए बोला था तब देवोलीना वहीं पे बैठी थी, तो क्या उसको शायद याद नहीं रहा कि सलमान खान इस बारे में बोलेंगे, या फिर ये हो सकता है कि सलमान खान मेरे बारे में कुछ तो बोले, या फिर एक और बात है मेरे बारे में, या फिर एक बहुत बात है जो जी ये वो कहते हैं ना कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। हो सकता है क्योंकि तिल मिला गई है, वो बुरी तरह से वापस आई है और बहुत कुछ है। खैर दोस्तों, ये हमारा आज का पूरा कलेक्शन था जो हमने सिलेक्ट किया है आपके ऑडियो वीडियो में से। आप लोग रेगुलर भेजते रहिए, हमारा नंबर है ये। इस नंबर पे आप अपने ऑडियो वीडियो भेज सकते हैं, आपका प्यार हमें मिल रहा है, हम बहुत खुश हैं इस बात से और इसीलिए हमने ये शो डेली कर दिया है। तो आप लोग भेजिए, हम रोज सुबह आपको एपिसोड देंगे आपके ऑडियो वीडियो के साथ। टिल देन कीप वाचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.